किंग कॉन्ग और गॉडजिला मिलकर अपना मॉन्स्टर यूनिवर्स या मॉन्स्टर वर्स क्रिएट कर ही रहे, जहां आपको बहुत सारे मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे मोथरा, रोडन, गिडोरा एंड और भी खूंखार मॉन्स्टर्स। लेकिन ये ऐसी मूवीज है जो शायद ही किसी ने नहीं देखा होगा, इसलिए आज मैं आप सबके लिए टॉप 10 ऐसी मॉन्स्टर मूवीज लेकर आया हूँ जो किंग कॉन्ग सीरीज या गॉडजिला सीरीज नहीं होंगी। क्योंकि कमोन यार, ये सब तो आप ऑलरेडी देख ही चुके होंगे, तो आपका टाइम वेस्ट क्यों करूं? इसलिए मैं आप सबके लिए कुछ हिडन जेम्स मॉन्स्टर मूवीज लेकर आया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के मॉन्स्टर्स की इस दुनिया में घुस जाते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नंबर 10 पे है 2010 की मॉन्स्टर्स। ये कहानी फॉलो करती है एक जर्नलिस्ट को जो अपनी बॉस की बेटी को यूएस लेके जा रहा है, लेकिन रास्ते में उसे एक ऐसा एरिया क्रॉस करना है जो मॉन्स्टर्स से भरा है। गैरेथ एडवर्ड्स, जो 2014 की गॉडजिला एंड 2016 की स्टार वॉर्स रोग वन जैसे मूवीज को डायरेक्ट किए हैं, उनकी ये डायरेक्टोरियल डेब्यू मोस्टली कैरेक्टर ड्रिवन है, जहां मॉन्स्टर्स को मोस्टली दूर से ही दिखाया जाता है, लेकिन ये मॉन्स्टर ऑफ अ डायरेक्टर आपको पूरे मूवी में एंगेज करके रखेगा अपने जीनियस डायरेक्शन से। नंबर 9 पे है 2011 की अटैक द ब्लॉक। ये मूवी 2011 की वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग मूवीज में से एक थी। एक एलियन इन्वेजन पे बेस ये मूवी अजीब तरह के मॉन्स्टर्स को दिखाता है, जो दिखने में तो उतने खूंखार नहीं लगते हैं, लेकिन जब ये अटैक करेंगे तो सबसे पहले आप ही भाग जाएंगे। ये साईफाई एक्शन कॉमेडी मूवी अनयूजुअल अटेम्प्ट है मॉन्स्टर मूवीज के लिए, लेकिन इट वर्क्ड। टीनेजर्स से भरी ये एक्शन कॉमेडी मूवी मॉन्स्टर्स की दुनिया की शॉन ऑफ द डेड है। नंबर 8 पे है 2014 की बाबाडुक। आज तक हजारों हॉरर मूवीज बनी होगी, लेकिन कुछ ही मूवीज हमें आइकॉनिक कैरेक्टर्स दे पाती है, और बाबाडुक उनमें से एक है। ये आइकॉनिक मॉन्स्टर आपकी रातों की नींद उड़ा देगा और आप शायद लाइट्स ऑफ करके सोना ही छोड़ दे। बाबाडुक बेसिकली एक इंसान के ग्रीफ, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का एम्बॉडीमेंट है, इसलिए ये मॉन्स्टर और भी रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि ये आपके डिप्रेशन का फायदा उठाकर आपको हॉन्ट करता है। नंबर 7 पे है 1990 से लेकर 2020 तक में 7 पार्ट्स में रिलीज हुई ट्रेमर्स फ्रेंचाइजी। एक अजीब सा वर्म लाइक मॉन्स्टर लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है, जो देखने में आपको थोड़ा गूफी लगेगा, लेकिन डायरेक्टर मेड श्योर कि इस मॉन्स्टर को आप सीरियसली ले। मूवी में केविन बेकन और फ्रेड वार्ड का जबरदस्त केमिस्ट्री मूवी में और भी जान डाल देता है, एंड टू बी ऑनेस्ट ये दोनों कैरेक्टर्स मूवी के असली जान थे। ये फ्रेंचाइजी स्टार्ट हुआ था एज अ कॉमेडी मॉन्स्टर मूवी, लेकिन ओवर द इयर्स मूवी को सीरियस टर्न दिया गया। ये उन फ्रेंचाइजीज में से एक है जो आपको या तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, या तो आप इसके डाई हार्ड फैन बन जाएंगे। नंबर 6 पे 2010 की ट्रॉल हंटर। ये नॉर्वेजियन मॉक्यूमेंट्री मूवी फॉलो करता है 3 स्टूडेंट्स को जो इन्वेस्टिगेट करने निकलते हैं ये पता लगाने कि नॉर्वे में बेज यानी भालू गायब क्यों हो रहे हैं। तभी वो एक हंटर से मिलते हैं जो बेसिकली एक ट्रॉल हंटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रॉल है क्या। बेसिकली मूवी नॉर्वे के एक माइथोलॉजिकल मॉन्स्टर पे बेस्ड है जो ट्रॉल के नाम से फेमस है, और इस फोकलोर को मूवी में ब्रिलियंट वे में प्रेजेंट किया गया है। मूवी बहुत ही कम बजट पे बनी है, इसलिए ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये मूवी इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। नंबर 5 पे है रिसेंटली 2020 में रिलीज हुई मॉन्स्टर हंटर। रेसिडेंट इवल की मिला जोविच की ये मूवी सबसे लेटेस्ट मॉन्स्टर मूवी है, जहां कुछ सोल्जर्स एक तूफान में फंस जाते हैं और दूसरे दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और ये दुनिया मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है। दिन के उजाले में अजीब तरह के मॉन्स्टर्स सैंड में से निकलते हैं, और रात के अंधेरे में खतरनाक मॉन्स्टर साइज के स्पाइडर्स निकलते हैं अटैक करने के लिए। ना तो दिन को चैन है, ना रात को आराम। अगर आप एक नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड मॉन्स्टर मूवीज को बस एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको ये मूवी बहुत एंटरटेनिंग लगेगी, जो शायद आगे जाकर एक फ्रेंचाइजी भी बन सकती है। मूवी स्टार्ट से लेकर एंड तक नॉन स्टॉप एक्शन एंटरटेनमेंट है। बस मूवी का नरेटिव डायरेक्शन थोड़ा वीक था, जो मूवी को बार बार नीचे पुल कर रहा था। नंबर 4 पे 2016 की अ मॉन्स्टर कॉल्स। ये ब्यूटीफुल इमोशनल मूवी वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मूवीज एवर है, जो एक्चुअली सरप्राइजिंग है फॉर अ मॉन्स्टर मूवी। इस मूवी में एक 13 साल का लड़का अपने माँ के कैंसर की बीमारी को सह नहीं पा रहा है, और एक रात अचानक एक जायंट मॉन्स्टर ट्री उसके रूम के पास आता है और उसे 3 कहानी सुनाने का वादा करता है, बशर्ते ये कि 4th कहानी वो सुनाएगा उस मॉन्स्टर ट्री को। लियाम नीसन की आवाज में ये मॉन्स्टर ट्री आपको जीने की वजह और अपने डिप्रेशन से लड़ना सिखाता है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग लियाम नीसन के अलावा इस कैरेक्टर को और कोई भी प्ले नहीं कर सकता था। नंबर 3 पे 2018 की ब्लॉकबस्टर अ क्वाइट प्लेस। ये मूवी पोस्ट
पोस्टअपोकैलिप्टिक एरा की कहानी है जहां मॉन्स्टरस क्रिएचर्स जो एक्चुअली अंधे हैं अपने लिसनिंग पावर से लोगों को हंट करते हैं। एक छोटा सा आवाज और आपकी जान जा सकती है। मूवी में साइलेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब मैं इस मूवी को थिएटर में देखने गया था तो लोग पॉपकॉर्न तक चिबाना छोड़ दिए थे जस्ट टू एक्सपीरियंस दिस साइलेंस। जॉन क्रेसिंस्की का जबरदस्त डायरेक्शन के साथ साथ उनका जबरदस्त एक्टिंग एंड एमिली ब्लंट का उनके करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इस मूवी को एक अलग लेवल पर लेके चला जाता है। नंबर टू पे है 2018 की क्लोवरफील्ड। इस मूवी का कहानी एकदम सिंपल है और वो ये है कि एक जायंट मॉन्स्टर क्रिएचर न्यूयॉर्क सिटी पे अटैक कर देता है, लेकिन इस मूवी का स्टोरी टेलिंग ऐसा है जो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव यानी FPP जॉनर को एक नए लेवल पर लेके चला गया। पूरे मूवी में आपको ऐसा लगेगा कि आप उस अटैक में फंसे हुए हैं। इनफैक्ट सिंपल वे में बोला जाए तो अगर कभी आपके शहर में मॉन्स्टर अटैक हुआ और अगर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपका वो वीडियो ये मूवी है। प्लैनेट ऑफ द एप्स एंड अपकमिंग बैटमैन मूवी के डायरेक्टर मैट रीव्स का ये जीनियस डायरेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस एंड टेंशन भरी मूवीज में से एक है। तो गाइज अगर आप ये लिस्ट एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड और भी ऐसे मूवी रिकमेंडेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर फेवरेट मूवी फ्रॉम दिस लिस्ट। तो गाइज नंबर वन पे है ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर बोंग जुंग हो की 2006 में रिलीज हुई मूवी द होस्ट। मूवी फॉलो करता है एक बाप को जिसकी बेटी पार्क ह्यून चो को एक खतरनाक मॉन्स्टर लेकर भाग जाता है। पहले तो फैमिली को ये लगता है कि वो मर गई, लेकिन जब ये पता चलता है कि वो एक्चुअली जिंदा है तो पार्क ह्यून की फैमिली लग जाती है उसे उस मॉन्स्टर के चंगुल से बचाने के लिए। ये मूवी इज बाय फार द बेस्ट मॉन्स्टर मूवी टू बी एवर मेड और इसका पूरा क्रेडिट जाता है जीनियस डायरेक्टर बोंग जुंग हो को। ये मूवी आपको एक एज ऑफ द सी थ्रिलिंग जर्नी पे ले जाएगा जो एट टाइम्स ह्यूमरस भी है और साथ साथ इमोशनल भी। तो गाइज अगर आपको ये लिस्ट अच्छी लगी हो तो आई गारंटी आपके स्क्रीन पे जो लिस्ट दिख रहे हैं वो भी बहुत जबरदस्त लगेंगे, इसलिए उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा एंड हाँ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पूरा लिस्ट और मैं दोनों आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे, इसलिए कनेक्टेड रहिएगा और भी जबरदस्त रिकमेंडेशंस के लिए। तो फिर आपसे वही मुलाकात होगी या फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।